दोस्तों आज फिर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं जो सोनभद्र नरसंहार से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज है कि आज से करीब 65 साल पहले 1995 में जब आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम फर्जी ढंग से 639 बीघा जमीन दर्ज की गई, आदिवासियों के हक पर डाका डालने की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक किस अधिकारी के खेल किया, किसने ग्राम प्रधान की दबंगई को बढ़ाने और भू माफियाओं को उठाने का काम किया, इसकी विस्तृत जांच की गई। अधिकारियों की गर्दन नपनी तय है। शुक्रवार को एसडीएम सीओ सहित 6 लोगों को विलंबित के बाद अब किसकी बारी होगी, इसके लिए चर्चा तेज की गई। जागरण संवाददाता द्वारा सोनभद्र आज से करीब 66 साल पहले 1955 में जब आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम फर्जी ढंग से 639 बीघा जमीन दर्ज की गई, आदिवासियों के हक पर डाका डालने की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक किसी अधिकारी ने ये खेल पूरा खेला और भू माफियाओं को ऊपर उठाने का काम किया, इसकी विस्तृत जानकारी की जांच अधिकारियों की गर्दन नपनी तय है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा घेरावत एसडीएम सीओ सहित 6 लोगों को विलंबित करने के बाद अब किसकी बारी है, इसको लेकर चर्चा तेज हो रही है। पुलिस से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं क्योंकि मामले की जांच 10 दिन के भीतर भीतर एडीजी जॉन वाराणसी द्वारा की जानी है। बुधवार को भूमि विवाद के कारण घेराव में उम्भा गांव के नरसंहार हुआ, उसमें 10 लोगों की जान चली गई और 28 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने डीजीपी के मामले में व्यक्तिगत रूप से नजर रखने के लिए कहा। मंडलायुक्त मीरजापुर एके सिंह, एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण को भी जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी। दोनों अधिकारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने घेराव के उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी, घेरावत प्रभारी निरीक्षक, घेरावत बिट दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें मामले की जांच के लिए एडीजी को जॉन वाराणसी को जिम्मेदारी दी। वह 10 दिन के मामले की विस्तृत जानकारी पर रिपोर्ट देंगे। सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में 1955 में जब भूमि को सोसाइटी के नाम किया गया, 1989 में जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पत्नी के नाम हुआ, 2017 में जमीन जब बेची गई, खारिज दाखिल हुआ, इन सभी मामलों की विस्तृत जांच होगी, यानी के खेल करने वालों की गर्दन नपनी तय है। जय दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।